गुड मॉर्निंग बच्चों, हम लोग आजकल हिंदी में व्यंजन वर्ण सीख रहे हैं, जिसमें क और ख सीख लिया है। आज हम लोग ग सीखते हैं। आपको भी आता है मुझे पता है, लेकिन सुंदर लिखने के लिए मैं सिखा रही हूँ। यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, इस लाइन को छोड़ देंगे यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ एक लाइन खींचेंगे, इस ब्लू लाइन में सटाते हुए ऐसे मोड़ेंगे, और एक और लाइन, ये ग हो गया। फिर से देखिए, एक परी रेखा, एक सीधी रेखा ला के यहाँ गोल कर देंगे थोड़ा सा, और एक और लकीर खींच देंगे, ये हो गया ग। ग से गमला। फिर से देखिए, आसान है ये, ऐसे करके ऐसे, ये लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और इसको ऐसे कर देंगे ग। एक और देखिए, ऐसे ऐसे, और ये एक लकीर ग, इसको बोलते हैं ग। ग से गमला, ये वाले लाइन को छोड़ के फिर इस लाइन पे हम लिखेंगे, ये ऐसे करके ऐसे, और ये एक और लकीर ग। ग से गमला, ग से गाजर। आप और बताओ ग से क्या क्या हो सकता है, जिसके शुरू में ग लगता हो, मतलब ऐसे शब्द जो ग से शुरू होता हो, जैसे गाजर, जैसे गमला, वैसे ही। अब आप भी कुछ कुछ बताओ। यहाँ देखिए, ऐसे और ऐसे ग। तो आपको लिखना आता भी हो अगर क ख ग, तो भी आप फिर से लिखेंगे इस तरह जैसे मैंने लिखा है, तभी हैंडराइटिंग सुंदर होगी। ओके।